कर रही अब दक्षिण का किला भेजने की तैयारी। आखिर अब ऐसा क्या करने जा रहे हैं मोदी और योगी जिससे बुरी तरह से बौखला गए हैं बीजेपी विरोधी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज जहां बीजेपी के लिए चुनावों में जीत की गारंटी बन चुका है, तो वहीं इस नाम ने अब धीरे धीरे एक ब्रांड का रूप भी ले लिया है, जिसके दम पर बीजेपी ने लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी बाजी मारी है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अब तक दक्षिण का किला भेदने में नाकाम ही साबित रही है। मगर अब बीजेपी के पास मोदी के साथ साथ एक और ऐसा चेहरा है जिसमें हिंदुत्व और विकास के मॉडल के दम पर विरोधियों को धूल चटाने का मादा है, और वो है यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके दम पर बीजेपी ने दक्षिण का किला भेदने की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के रहते बीजेपी को योगी पर इतना भरोसा क्यों है? इस सवाल का जवाब भी आप जान लीजिए। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए अब तक साल 2014 में देश की राजनीति में कदम रखने वाले नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। अब तो उनका साथ देने के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं। और आज के दौर में मोदी योगी की ये जोड़ी क्या धमाल मचा रही है, ये पूरे देश ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखा, जहां प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, और फिर गुजरात में तो बीजेपी ने दो तिहाई बहुमत हासिल करके इतिहास ही रच दिया। इन दोनों ही राज्यों में मोदी के साथ साथ सीएम योगी ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का खूब जिक्र किया था, जिसकी वजह से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिलना है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। बीजेपी ने जिस मोदी योगी की जोड़ी राम मंदिर के मुद्दे के दम पर पहले यूपी और फिर गुजरात में जीत का परचम लहराया, अब इसी जोड़ी को पार्टी दक्षिण का किला भेदने के लिए भी आजमाना चाहती है। इसलिए कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने उत्तर भारत की धरती अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तरह अब दक्षिण भारत में भी भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी सरकार इस राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास भी भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के हाथों से करवाएगी, जिससे दक्षिण भारत की राजनीति में हिंदुत्व के दम पर जीत का परचम लहरा सके। मंदिर निर्माण को लेकर कर्नाटक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने एक बयान में बताया कि जिस तरह उत्तर भारत के अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह कर्नाटक में राम मंदिर का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक आएंगे और मंदिर के लिए चिन्हित की जाने वाली भूमि का निरीक्षण करेंगे। राम मंदिर बनाने के फैसले की घोषणा राज्य के अगले बजट में की जाएगी। कर्नाटक में राम मंदिर निर्माण की तैयारी कर रही बीजेपी सरकार इसका शिलान्यास भी सीएम योगी से कराने का प्लान बना रही है, क्योंकि इसी साल मई में जहां कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं दिसंबर में दक्षिण के एक और राज्य तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को भी आजमाना चाहती है।
जिससे उसे कर्नाटक के साथ साथ तेलंगाना फतेह करने में भी मदद मिल सके। और इसके लिए बीजेपी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हथियार बनाने जा रही है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी चैंपियन की तरह देखती है। उन्हें वो करने के लिए जाना जाता है जो कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश इसका साक्षात उदाहरण है, जहां योगी आदित्यनाथ ने विकास और धर्म की राजनीति का मॉडल पेश कर हवा का रुख ही बदल दिया। और पीएम मोदी भी सीएम योगी की इस खूबी को अच्छी तरह जानते हैं। अपने सिपाही सालार पर इतना भरोसा करने की उनकी यही सबसे बड़ी वजह है। दक्षिण की राजनीति में मचा हड़कंप, कर्नाटक में होने वाले चुनाव में सत्ता वापसी के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने राम मंदिर का कार्ड खेल दिया है। बंगलुरु से करीब 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिसे रामदेवरा बेटा के नाम से जाना जाता है। रामदेवरा बेटा मंदिर को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण वानर राज सुग्रीव ने करवाया था। सुग्रीव ने ही प्रभु श्री राम की मूर्ति भी मंदिर में स्थापित की थी। यही नहीं, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के समय माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ एक साल बिताया था। इसलिए कर्नाटक सरकार यहाँ राम मंदिर बनवाना चाहती है और इसका शिलान्यास सीएम योगी से करवाना चाहती है, जिनकी पहचान ही हिंदुत्व की राजनीति है। यही वजह है कि सीएम योगी का नाम सुनते ही विपक्ष बौखला गया है। खासकर कर्नाटक में विपक्ष की पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस तो अभी से बीजेपी के इस प्लान को फेल करने में जुट गई है। इसलिए कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने आरोप लगा दिया है कि वोट पाने के लिए बीजेपी मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये काम बीजेपी सत्ता में रहते हुए पहले भी करा सकती थी। जेडीएस नेता कुमार स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने तो सीएम योगी के हाथों मंदिर का शिलान्यास कराए जाने को रोकने के लिए यहाँ तक कह दिया कि इस प्रस्तावित मंदिर का शिलान्यास योगी के हाथों के बजाय आदि चुंचनागिरी और जेएसएस मठों के प्रमुखों से कराया जाए। इसी से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ योगी का नाम आने भर से विपक्ष में किस तरह से खलबली मच गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। वो हिंदू और हिंदुत्व पर खुलकर बोलते हैं। उनके आक्रामक तेवर और शैली उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती है। वो बड़ी आसानी से हिंदुओं को एकजुट कर लेते हैं और बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी वो कर चुके हैं जो कई दशकों तक कोई पार्टी और नेता नहीं कर सका। उनके नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में लौटी है और अब बीजेपी को लगता है कि इसी तरह से वो कर्नाटक में भी सत्ता वापसी के साथ ही तेलंगाना में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है, जहां फिलहाल बीजेपी के पास महज एक विधायक है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का यह प्लान दक्षिण की राजनीति में कामयाब हो पाएगा? क्या पीएम मोदी और सीएम योगी दक्षिण का किला भेदने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Bu da bir şey. 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 Bu da bir şey.